हाय एवरीवन, वेलकम है आपको समद किचन में। आज की हमारी रेसिपी है लंच बॉक्स स्पेशल रेसिपी, हरियाली मटर मशरूम, जो कि बनाने में बहुत आसान है, झटपट बन जाएगी, खाने में भी बड़ी टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें समद किचन को। मटर मशरूम बनाने के लिए जो जो सामान हमें चाहिए उसको देख लेते हैं। पहले उसके लिए चाहिए हमें बटन मशरूम लीजिएगा उसको, और इनको धो के कट कर लीजिए। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये फ्रोज़न मटर, सफल वाले या कोई भी ले लीजिए आप जो होते हैं, ये मटर हैं क्योंकि अभी सीज़न नहीं है तो फ्रेश मटर अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ साथ फिर लेंगे हम दो बड़े कटे हुए प्याज, मोटे मोटे कटे हुए, और इसके साथ साथ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे हम लेंगे गरम मसाला, और ये है हमारा हरा मसाला। तो इसके लिए इसमें लिए हैं मैंने 5 हरी मिर्ची, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ 10-12 कली लहसुन के हैं, और ये है हरी धनिया थोड़ी ज़्यादा सी। तो इसका हम इसको लहसुन को छील लीजिएगा, मिर्चे के डंडे तोड़ लीजिए, और धनिया को भी साफ़ करके तोड़ के इनको अच्छी तरह से धो के इसका हम पेस्ट बना लेंगे, जैसे कि चटनी बनाते हैं। तो चटनी की तरह इसका पेस्ट बन जाएगा। फिर आगे हम चलिए मशरूम, हरियाली मटर मशरूम बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाल के, 2 मीडियम साइज़ चम्मच तेल डाल के इसको गर्म कर लिया है। तेल आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें करेंगे प्याज फ्राई। ये हमारी प्याज हुई फ्राई, और इस प्याज को भी हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद, करीब 2 मिनट मीडियम आँच पर फ्राई करने के बाद डालेंगे हम मशरूम। मशरूम इसलिए डालेंगे थोड़ी तली प्याज में, उसके साथ साथ मशरूम भी फ्राई। अब इसमें डालेंगे मशरूम, आप देखिए इनको भी, मशरूम को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और इसमें ही दोनों चीज़ें साथ साथ तल जाएंगी। मशरूम भी फ्राई हो जाएगा और हमारी प्याज भी ब्राउन हो जाएगी। इसको बीच बीच में चलाते रहिए, नहीं तो क्या होगा, एक तरफ प्याज जल जाएगी और मशरूम जल जाएगा और बाकी के साइड नहीं फ्राई होगा। तो इसको हमको बीच बीच में स्टर करते रहना है। अब मशरूम हमारे और प्याज ऐसे इतनी फ्राई होना चाहिए कि ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ जाए, थोड़ा ब्राउन हो जाए और ये अच्छी तरह से तल जाए। तो अब हम इसको थोड़ी सी मीडियम से लो आंच पे कर लेंगे, देखते रहिएगा कि जलने ना पाए, और उसमें रख के इसको फ्राई होने देते हैं। बीच बीच में चलाते ज़रूर रहिएगा, छोड़िएगा मत इसको। मशरूम और प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़े सॉफ्ट पड़ गए। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दीजिए, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे अब अपना ये ग्रीन मसाला, ये देखिए जो हमने पीसा था, ठीक है, लहसुन मिर्चा और धनिया, इसको पीस लिया, अच्छी तरह फाइन पेस्ट बना लिया, और ये हमारी ग्रीन चटनी तैयार है। अब इसमें डालेंगे सारा मसाला डाल दीजिए इसमें, और इसके साथ साथ अब डालेंगे हम इसमें मटर। ये देखिए कितना बढ़िया ग्रीन कलर आया है, बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, बहुत टेस्टी, बनाने में बहुत ही आसान, जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, इजी क्विक और कम टाइम में बनने वाली, फटाफट बनने वाली। इसको आप लंच में पैक कर सकते हैं और कैसे भी खाइए, बहुत ही आपको टेस्टी लगेगी। अब इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और बस इसको धीमी आँच करके थोड़ी देर पकने देते हैं, जब तक कि मटर गल ना जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे ये गल जाए, ताकि इसको गलने में, इसमें देखिए हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये सब्ज़ी अच्छी तरह से गल जाए। और इसको धीमी आँच करके, बिल्कुल धीमी आँच कर दीजिए, और इसको ढाँक के गलने दीजिए। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, और ये अब हम चेक करते हैं हमारी सब्ज़ी हुई या नहीं हुई। ये देखिए बढ़िया पानी भी सूख गया है और ये भी गल गए हैं, और ये हमारी सब्ज़ी रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। हरियाली मटर मशरूम रेडी है, अब आप इनको पैक कर सकते हैं लंच बॉक्स के लिए, या फिर घर पे ही खा सकते हैं लंच में या डिनर में, रोटी के साथ, पूरी या फिर पराठे के साथ, जैसे भी दिल करे आप खाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ समद किचन को सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।